राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों ये सुबह का ब्लॉग है। तो मैं अब नाश्ता बना रही हूँ। आज बनाएंगे चटपटी भिंडी, कुरकुरी भिंडी। तो मैं कैसे बनाऊंगी कुरकुरी भिंडी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज काटती हैं, साथ हरी मिर्च। तो आज बनेगी चटपटी भिंडी। प्याज मैंने ज़्यादा नहीं काटी, मिट्टी हो जाती है भिंडी। दो भी ज़्यादा है वैसे, एक ही काटनी चाहिए। तो ये ब्लॉग भिंडी का शुरू हो रहा है। भिंडी बनने से सुबह का नाश्ता बन रहा है। मुझे तो यहाँ ज़्यादा होगी, मिट्टी हो जाती है ना भिंडी, अच्छी नहीं लगती। तो ये हमारी भिंडी कट चुकी है, देखो ज़्यादा छोटी नहीं काटी मैंने, ऐसे काटी है साइड में। तो पिचपिची नहीं बनती, छोटी काटने से ज़्यादा पिचपिची से बन जाती है। और उसके साथ बनाऊंगी मैं मिक्सी परौंठे, भिंडी के साथ मिक्सी परौंठे। तो ये है आज का हमारा नाश्ता। सब तैयार हो चुके हैं, सबका नाना धोना हो चुका, अब नाश्ता करेंगे सभी। और उधर वो विशाल बैठा है, तो दोस्तों मेरा हाथ में दर्द भी है, काम होने रहा ज़्यादा, फिर भी मैं कर रही हूँ, करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है, मैं इनको देना पड़ता बना के। तो मेरी प्याज हो चुकी है, अब मैं डाल रही हूँ भिंडी। दोस्तों इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल दूँगी, हल्दी और नमक बस, और हरी मिर्च और प्याज, हल्दी से ज़्यादा नहीं, थोड़ी आधी चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार, जितना आप खाते हो उतना नमक डालना। पाँच मिनट में भिंडी बनकर तैयार। तो ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। इसको एकदम ही ढक के बनाना, उसके बाद फिर मैं इसको 2-3 मिनट खोल के बनाऊंगी, जिससे ये पिच पिची ना हो।
तो इसको मैं ढक देती हूँ अभी 2 मिनट के लिए। तो ये आटा मैंने गोल कर रख लिया था पहले सुबह, जिससे आटा है रात की जो भी दाल वाल बचती है मैं उसको ख़राब नहीं करती, वेस्ट नहीं करती मैं उसको, जिस दिन बचती है जिस दिन आटे में गूंद लेती हूँ फिर उसके परांठे बना लेते हैं हम लोग, खराब जो करने से वो फेंक लें, बची जाती है थोड़ी बहुत दाल रात की अगर तो फ्रिज में रख देती हूँ, फिर मैं सुबह उसको आटे में गूंद लेती हूँ। तो उसके मिस्सी पराठे बना लो, सब्जी हो कोई सब्जी से खा लो, अचार से खा लो, चाय से खा लो, अच्छे लगते हैं। तो वेस्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी, उसको जहाँ तक सोचो कामयाब ही करो, खाने कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने आटा गूंद लिया था, इसके बनाऊंगी मैं परौंठे भिंडी के साथ। तो इस तरफ हमारी भिंडी बन रही है, इधर मैं परौंठे बना देती हूँ। भिंडी भी हमारी लगभग तैयार है, बन चुकी। ये देखिए भिंडी एकदम बढ़िया कुरकुरी बन के तैयार हो रही है और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, क्योंकि मैंने इसका ढक्कन हटा दिया था, अभी ऐसे खोल के बना रही हूँ तो ये बन जाएगी। इधर हमारे परौंठे बन गए, ऐसे बना रही हूँ सिंपल परौंठे, डिजाइन वाले नहीं बना रही हूँ, सिंपल परौंठे बना रही हूँ ऐसे, मतलब जैसे फोल्ड करके बनाते हैं डबल करके। भिंडी भी मैं साथ साथ हिला देती हूँ, नहीं तो मिक्से लग जाएगी। तो साथ साथ भिंडी बन रही है, परौंठे बन के तैयार हो रहे हैं, नाश्ता बन ही चुका। तो ये कुछ परौंठे दोस्तों मैंने पहले बना दिए थे, निक्की को कहीं जाना था तो उसके खाने के लिए ये कुछ पहले बना दिए थे मैंने, बाकी मैं अभी बना रही हूँ थोड़े गरम गरम खाएंगे। अच्छे से सेक के बना लेते हैं, कच्चा नहीं रखना चाहिए परौंठा, अच्छा नहीं लगता खाने में। तो दोस्तों हमारा नाश्ता तैयार हो गया, ये चटपटी सी भिंडी बनकर तैयार, ये देखिए ये मिस्सी परौंठे, ये देखो भिंडी बिल्कुल नहीं पिच पिची हुई, बढ़िया करारे भिंडी बनकर तैयार हुई है। और साथ में मैंने ये सेब भी काट लिया नाश्ते में। तो ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरी वीडियो को ज़रूर देखना। तो मिलते हैं कल, बाय।